तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो वीवो S1 के लीक्स आ चुके हैं मेरे पास, आ नहीं चुके एक्चुअली, मैं लाया हूँ। मैंने सिंपली वीवो के डेटा बेस से चुरा लिए, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने सिंपली इनको इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया। तो बिना किसी देरी के इसके अगर मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो वीवो S1 लॉन्च हो सकता है मार्च में ही। मार्च तो गया, अप्रैल में आएगा। तो ये 6.53 इंच की स्क्रीन के साथ आने वाला है, यानी 6.5 इंच की स्क्रीन। यार बहुत है, 5 इंच की स्क्रीन किसी को पसंद नहीं है आज के ज़माने में। इसका जो रेजोल्यूशन पिक्सल होगा वो होगा 1080 पिक्सल बाई 2316 पिक्सल्स। अब इसके जो वेरिएंट है वो काफ़ी सारे हो सकते हैं। हो सकता है 4GB 64GB हो सकता है 6GB 64GB हो, या 6GB 128GB हो। इसके अंदर आप लोगों को डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, प्लस माइक्रो एसडी साथ में, क्योंकि कई लोग नहीं चाहते कि उनको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिले। तो इन्होंने तीनों स्लॉट्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। कैमरे भी आपको तीन मिल जाते हैं इसमें, पीछे की तरफ 12+8+5, जिसमें से शायद एक होगा वाइड एंगल के लिए, एक होगा डेप्थ सेंसिंग के लिए, और एक आपका जो स्टैंडर्ड कैमरा होता है। और फ्रंट की तरफ आप लोगों को कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर एक मोटर लगाई गई है, जिसमें आप अगर लोग पंखा लगा दोगे तो फिर वो हवा भी फेंकेगी। मतलब 24 मेगापिक्सल का जो कैमरा, वो मोटर के साथ ऊपर की तरफ उठेगा और आपकी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेगा। तो मोटराइज्ड मैकेनिज्म है। एंड्रॉयड 9.0 पाई का सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो पाई, क्योंकि यार ओरियो से लोग बोर हो चुके थे, इसलिए अब लोगों ने पाई लेना शुरू कर दिया है। तो यही थी कुछ की स्पेसिफिकेशंस इसकी। अब अगर बात करें इसकी एडवांटेजेस की, एडवांटेजेस मतलब अगर आप लोगों को ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए तो क्यों ख़रीदना चाहिए, किन कारणों से ख़रीदना चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहले एक तो ये ग्रेडियंट फिनिश के साथ आता है, आप लोग जैसे देख पा रहे हैं अभी पीछे की तरफ। और इसमें आप लोगों को पीछे की तरफ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ जो है वो वीवो की ब्रांडिंग है। इसमें आप लोगों को ट्रिपर कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें पीछे फ्लैश भी गिवन है साथ में। तो बहुत ही मतलब यूनिक टाइप का लगता है ये स्मार्टफोन। और इसमें पॉपअप कैमरा है फ्रंट के लिए, यानी आपको सामने बस छोटी सी नीचे की तरफ एक चिन दिखाई देती है, बाकी ये फुल्ली बिल्कुल फुल डिस्प्ले के साथ में आता है। और इसमें है ये मतलब बहुत ही स्लिम है, मतलब सिर्फ 8.5 mm का है, 8.5 mm का ये स्मार्टफोन है, तो काफ़ी स्लिम है। इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बड़ा है, यानी काफ़ी बड़े डिस्प्ले के साथ में आता है, क्योंकि यार छोटे डिस्प्ले को लोग आजकल पसंद नहीं करते हैं। इसकी जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो काफ़ी शार्प है, यानी कलर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें उभर कर आते हैं, और काफ़ी मतलब देखने में ब्राइट लगते हैं। ब्राइटनेस में ऐसे आप लोगों को कोई दिक्कत देखने वाली नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर है ब्लूटूथ 5.0 का उपयोग किया गया है, यानी ब्लूटूथ की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एनहेंस करके आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर जो ब्लूटूथ है वैसे नॉर्मली 4.0 देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आप लोगों को 5.0 प्रोवाइड किया गया है। और इसमें अगर एक बात करें सबसे महत्वपूर्ण हथियार की, है 3.5 का ऑडियो जैक, तो उसको भी इसमें से नहीं हटाया गया है। इसमें आप लोगों को ऑडियो जैक प्रोवाइड किया गया है। तो ये एक मेन रीज़न हो सकता है लोगों के लिए कि हाँ भाई, इस फ़ोन को लोग ज़्यादा प्रेफर, और ये सीधा बजट सेगमेंट को टारगेट करने वाला है। इसकी सिर्फ एक सिंगल डिसएडवांटेज मेरे को देखने को मिली, वो ये है कि इसका मतलब जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। फ़ोन तो स्लिम है, लेकिन जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, वो है 189.5 ग्राम्स। अब आप लोग सोचेंगे इतना ज़्यादा हैवी नहीं है। हाँ, ये काफ़ी हैवी नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल स्टैंडर्ड फोन्स कंपनियां लॉन्च करती हैं उनके मुकाबले हो सकता है। इसमें आपको 3940 mAh की बैटरी भी देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दो।